जब यूरोपियन साइंटिस्ट इस बात को साबित करने लगे कि आंखों से लाइट निकलकर जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तभी इंसान को दिखाई देता है, लेकिन उसी वक्त इराक से एक मुस्लिम साइंटिस्ट उठे जिन्होंने ये साबित कर दिया कि जब बाहर से लाइट आंखों के अंदर दाखिल होती है तभी इंसान को दिखाई देता है। उसी वक्त से वो दुनिया के सबसे पहले साइंटिस्ट बने जिन्होंने ये साबित कर दिया कि इंसान किस तरह देखता है, और वो महान साइंटिस्ट है हसन इब्ने अल हैतम जो 965 को इराक में पैदा हुए। इसी तरह उन्होंने पिन होल कैमरा और लेंस का इन्वेंशन किया। दुनिया का मशहूर फिलोसोफर गैलीलियो भी इनकी थ्योरी ऑफ लाइट का इस्तेमाल करके ही दूरबीन बनाया था। इनकी एक किताब अल मनाजिर जो के आंखों के बारे में कंप्लीट मालूमात देती है, जिसमें आज तक का कोई भी साइंटिस्ट जर्रा बराबर भी गलती नहीं निकाल पाया। इसी की बिना पर इन्हें द फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स।